दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नई सी वीडियो लाई हूँ। ये है पानी में खिलने वाला वाटर लिली का पौधा और इसमें बहुत सारे वाटर लिली खिले हुए हैं। कलर पिंक है, बहुत ही प्यारा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसको लगाने की सोची। और अभी ये मेरे घर में है और इसको मैं यहाँ से उठा कर लाई थी। ये देखिए, बहुत सारे वाटर लिली खिले हुए हैं, पत्ते कितने सुंदर है। ऐसे लगता है जैसे, इसे देख के ऐसे लगता है जैसे मैं यहाँ पे घूमते रहूँ, जैसे परियों की तरह। इतना सुंदर लगता है, आप लोगों को भी शायद ऐसे ही लगा होगा, ऐसे कहीं फूल दिखने से। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के। ये देखिए, पिंक कलर का वाटर लिली है, बहुत सारे हैं। तो मैंने इसको देख के सोचा कि यहाँ से अगर मैं इसको उठा के लाऊं और अपने घर में इसको ग्रो करूं तो कैसा होगा। तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाने की सोची और अभी मैं इसको दूसरी एक जगह से, उसके पास से ही मैंने एक छोटे लड़के को बोला कि इसको उठा के लाए मेरे लिए। ये तो लड़के के लिए बहुत आसान सी बात है। तो मैंने उसको ला के, पहले मेरे साथ ऐसे घर में ऐसे कोई जगह नहीं थी, तो पहले मैं एक बड़े से टब में इसको रखा था पानी से। फिर इसको रखने के लिए तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए कितना सुंदर है, फ्रेश है, कलर एकदम प्यारी है। इसके पत्ते तोड़ दिए थे मैंने, इसको लाने के लिए बहुत दिक्कत हुई थी इसलिए, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पत्ता है अभी भी। अभी फ़िलहाल एक ही खिला हुआ है। अभी देखिए, इसको मैंने ये बड़ा वाला कुएं का जो रिंग होता है उसको मैंने तैयार किया इसको लगाने के लिए। और ये जो है नीचे का, ये पहले खुला हुआ था तो इसको मैंने सीमेंट से पूरा कवर करके फिलअप कर दिया है। अभी इसमें ये वाला पौधा यहाँ रखा और मिट्टी से इसको, इसका जो रूट्स है उसको कवर करके फिर अभी पानी डाल रही हूँ। पानी को थोड़ी धीरे धीरे से डाल रही हूँ क्योंकि अगर ये मिट्टी स्प्रेड हो जाएगा तो ये फ्लॉट हो सकता है, इसलिए ऐसे ही मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लिया धीरे धीरे करके, तो ये स्टेबल है एक ही जगह पे। ठीक ही है अभी फ्लावर। अभी देखिए, ये मैंने बीच में वीडियो बनाने के लिए भूल गई थी, तो ये करीब 1.5 महीने की बाद, तो इसका ये देखिए पत्ते पूरे ग्रो हो गए हैं अच्छे तरह से। और इसके पानी, एक बात है, इसके पानी हर 4-5 दिन के बाद चेंज करनी चाहिए क्योंकि ये पानी तो कहीं जाता नहीं है। तो एक ही जगह रहने से इसका स्मेल बहुत गंदा हो जाता है, मच्छर भी यहाँ हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको पानी चेंज करके रखा है। देखिए कितना अच्छा फ्लावर खिल रहा है अभी, बहुत प्यारी है।